जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड घुमा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एलसीडी ऊपर आ रही है, ये हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। भाई आज की वीडियो जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो हमारे भाई आईफोन वगैरह का काम करते हैं, एलसीडी वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये काम में आने वाली है। क्योंकि भाई ये मशीन की अगर बात करें तो टीबी के कंपनी की, और मैंने भी इंडिया के अंदर इसे फर्स्ट टाइम देखा है, और फर्स्ट टाइम देखा है तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी इस मशीन को दिखाया जाए कि इसके अंदर क्या खासियत है। तो सबसे पहले तो भाई मैं इस मशीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये टीबी के की मशीन आती है जो एलसीडी ओपनर का काम करती है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन रखना है और ये अपने आप ओपन करके दे देगी। देखो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 7 है, ये 7 के लिए नहीं है, 7 के अलावा जितने भी ऊपर वाले मॉडल हैं, जैसे कि आगे की बात करें 11, 12, 13, 14, 15, जितने भी ऊपर वाले मॉडल हैं ये सब पे काम करती है। किस तरह से काम करने वाली है इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ ये मशीन आपको कहाँ मिलने वाली है, लोहिया टेलीकॉम पे मिलने वाली है। प्राइसिंग की अगर बात है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखा है और स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस नंबर पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए फटाफट से मशीन को बाहर निकालते हैं, फिर इसके बाद इसके फीचर वाली बात है तो इसके फीचर देखेंगे। तो गाइस मशीन वाली बात है तो मशीन मैंने इसके अंदर पूरी की पूरी मतलब टेबल पे बाहर निकाल के रख ली है। इसके अंदर किस तरह से हम इसको यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले बताता हूँ। एक आपको ये लेनी है, पावर केबल लेनी है, और पावर केबल लेने के बाद इसको पीछे की साइड में इसको आपको लगा देना है। और पीछे की साइड में लगाने के बाद भाई यहाँ पर इन्होंने एक स्विच भी दिया, उस स्विच को पीछे से ऑन करेंगे तो फ्रंट की तरफ इसके अंदर भी एक पीएलसी दी गई है। ये पीएलसी किस तरह से मतलब इसको यूज़ में ले सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। इसके अंदर भाई मैं आपको बता दूँ, ये इसके अंदर हीटिंग की भी फैसिलिटी है। जैसे आप इसको गर्म करते हैं, सेपरेटर पर रखते हैं, ये सेपरेटर पर रखने के बाद लिक्विड वगैरह डालते हैं, तो भाई ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर जो फीचर दिए गए ना, वो नो डाउट भाई बहुत कमाल के फीचर इसके अंदर दिए गए। वो फीचर मैं आपको अभी इसके अंदर ओपन करके दिखाऊंगा, तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें सिर्फ फोन को इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर रख देना है। तो गाइस चलिए इस मशीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भाई सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर सेटिंग दी गई है, ये सेटिंग, इसके अंदर अपना टेम्परेचर वगैरह आपको जितना भी रखना है, इसके चारों तरफ जो क्रोम को हीट करेगा वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए अभी हमें टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं है, फिलहाल इसके अंदर अगर बात करें तो 60 डिग्री के आसपास इसके अंदर सेट हुआ है। इसके अंदर किस तरह से काम करना होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑन फोन है। इस फोन को मुझे क्या करना है, इस फोन को मुझे सिर्फ यहाँ लेकर जाना है और इसको इस तरह से इसके अंदर रख देना है। ये रहा, अंदर रखने के बाद बिल्कुल बीचों बीच रखा है। इसके बाद ये साइड में इसके अंदर रेगुलेटर दिया है, उसको दबाएंगे तो फोन को वो अच्छे से, मैं दिखाता हूँ आपको, फोन को वो अच्छे से चारों तरफ से यहाँ से पकड़ लेता है। ये रहा देखो, अच्छे से पकड़ लिया उसने। पकड़ने के बाद क्या होता है, इसको ये वाला जो है इसको सीधा ऐसे आगे आपको कर देना है। अब ये हमारा हीट होने के लिए चारों तरफ से ये हमारा फोन रेडी हो गया है। और इसकी अगर अलाइनमेंट की बात करें, ये देखो अभी फिंगर के ऊपर आ रहा है तो ये वैक्यूम नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा हम अंदर कर देंगे तो ये फिंगर के आगे चला गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर क्या करना है, ये जो ऊपर से दिया गया है इसको फटाफट से इसको हम ऐसे इस तरफ घुमाएंगे और वो नीचे देखेंगे, वो नीचे चिपकता जा रहा है उसके अंदर। ये देखिए ये पूरी तरह से उसके अंदर यहाँ पर सेट हो गए, चिपक गया है। चिपकने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमने इसको अच्छे से भी टाइट किया था तो उसी तरह से टाइट करते हुए इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे और ऊपर दोबारा से उसको एक बार ही टाइट कर देंगे अच्छे से। ये बिल्कुल लाइव फ़ोन है, आपके सामने फ़ोन है और टीबी के की मशीन है, और मॉडल नंबर वाली बात है तो वो रहा 088M करके ही आती है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो बटन इसके अंदर दिया गया है इस बटन को यहाँ से ऑन कर देना है। अब आप देख रहे हैं ये रेड हो गया, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई हीटिंग चल रही है इसके अंदर, हाथ वगैरह इसके ऊपर ना लगाएं। तो इसको किस तरह से ओपन करना है, ये एग्जांपल के लिए मेरे पास अभी तो आईफोन 7 है, दूसरा वाला मॉडल था नहीं, बाकी दूसरा भी अगर कभी आएगा तो मैं उसके ऊपर भी दिखाऊंगा। अब इसको मुझे क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे धीरे धीरे इसको आपको लेफ्ट साइड घुमाते रहना है। ये देखिए जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड घुमा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एलसीडी ऊपर आ रही है, ये भी हमारी ऊपर आती रहेगी। ये इसके अंदर बहुत बढ़िया फीचर है कि ये आपको फ़ोन इस तरह से एलसीडी ऊपर निकाल देता है। इसको हम यहाँ से स्टॉप करेंगे, अब ये एलसीडी हमारी इस पर वैक्यूम कर रखा है तो इसको हम इस बटन को दबाएंगे, ये वैक्यूम से हमारा छूट गया। इसको इस तरीके से यहाँ से पीछे कर लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से लूज़ करके उसको पीछे करके इसको अपने फ़ोन को सेफली बाहर निकाल लेंगे। तो भाई अगर इसकी बात करें दोनों तरफ की मतलब साइडों की बात करें तो ये हीट मेरे को महसूस हो रही है, और फ़ोन की अगर खोलने वाली बात है तो बिल्कुल सेफ तरीके से ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। ये रहा, तो भाई ये आईफोन के लिए नो डाउट बहुत बढ़िया चीज़ आई है।
जो हमारे भाई लगे रहते हैं भाई, उनको जिनको परेशानी होती है ओपन नहीं कर पाते, उनके लिए नो डाउट बहुत गजब चीज़ रहने वाली है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करें, शेयर करेंगे, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।